तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग थंबनेल पे देख ही लिए हैं, यहाँ पर जो वीडियो जो है बनाने वाले हैं दोस्तों, ये एक ऐसा सर्किट है और काफी छोटा है यहाँ पर देखा जाए तो, और यहाँ पर कोई भी अलग से यहाँ पर पावर सप्लाई कोई भी सप्लाई नहीं यूज करेंगे दोस्तों। जैसा कि देखा जाए ना, तो इसमें क्या है ना कि कोई भी दोस्तों यहाँ पर लेके जाना तो दूर की बात है, अगर उसको टच करके दिखा दे तो हम यहाँ पर मान लेंगे दोस्तों। आज का जो वीडियो है कुछ अलग हम यहाँ पर किए हैं दोस्तों, इससे पहले भी हमने सिक्योरिटी अलार्म यहाँ पर बनाया है, लेकिन आज का जो अलार्म है कुछ अलग है, कुछ हटके है, और यहाँ पर कोई भी अलग से सप्लाई नहीं है दोस्तों। और ये खास करके हमने बाइक वगैरह के लिए बनाया है, और बाकी अगर आप चाहें तो इसको किसी भी तरीका से, यानी कि अपने दिमाग से, अपने हिसाब से, आप चाहें तो अलग अलग हिसाब से अलग तरीका से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले सभी भाई से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस सर्किट को हमने जहाँ तक यहाँ इसको चेक किया है, जहाँ तक इसको जाँच किया है दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि कुल अलग अलग कंडीशन में यहाँ पर काम करता है। तो आपको इस वीडियो को जो है कि बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो बाद में यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पर देखिए कि इस तरीके का सर्किट काम नहीं करना है, या तो फिर अलग तरीका से ये काम कर रहा है, या तो फिर ये अपने आप यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर बहुत तरीका है दोस्तों इस सर्किट में। तो ये बस सभी भाई से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो यहाँ पर कंटिन्यू जरूर से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए जो है कि हम एक ट्रैक का यहाँ पर यूज करेंगे, जो कि सभी भाई यहाँ पर जानते हैं, इससे इसके पहले भी काफ़ी वीडियो हमने इससे बना लिया है। और एक हमने यूज किया है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर का यूज किया है। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पर मिला करके दोस्तों हमने इस सर्किट को बनाया है, जो कि यहाँ पर अलग अलग तरीका से ये काम करता है, ठीक है। तो चलिए इसको और हमने क्या लिया है दोस्तों, अगर आप इसको चाहें तो यहाँ पर ये लगा सकते हैं ऑन ऑफ के लिए, क्योंकि ऑन ऑफ करना भी यहाँ पर काफ़ी हद तक ज़रूरी है। तो इस तरीका का स्विच या कोई भी तरीका का स्विच आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इससे ऑन ऑफ आपको करना ज़रूरी होगा। और जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों, गाड़ी के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको अलग से कोई सप्लाई की ज़रूरत है नहीं, सप्लाई तो आपको ऑलरेडी मिल जाता है कहाँ पर, आपके बाइक में ही मिल जाता है, जो कि आपके बाइक में यहाँ पर बैटरी है। अगर जो भाई यहाँ पर अलग से किसी चीज़ में यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया अलग जगह पर कहीं पर भी, तो वहाँ पर आपको दोस्तों अलग से सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगा, या तो 12 वोल्ट का अडेप्टर ले लीजिए, या तो फिर 12 वोल्ट का बैटरी से यूज कीजिए, किसी भी तरीका से यहाँ पर सप्लाई की ज़रूरत पड़ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमने आपको क्लियर किया। और जैसा कि आप लोग सभी भाई लोग जानते हैं, यहाँ पर जो है कि बाइक में दोस्तों स्पीकर बोल रहे दोस्तों, हॉर्न एक होता है, ठीक है, जो कि ये देखिए आप लोग के दिखाने के लिए, ताकि यहाँ पर बाद में आप कमेंट मत कीजिएगा कि फेक है वीडियो ये इस तरीका से चाहते, तो हम दोस्तों यहाँ पर बजर में भी इसको बना सकते थे इसके जगह से हटा के, लेकिन हमने इस पर क्यों बनाया, क्योंकि बाइक के अंदर, हर बाइक के अंदर दोस्तों हॉर्न ऑलरेडी रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि आपको कोई भी तार वगैरह काटने वगैरह की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बस दो तार आपको वहाँ से उसी में से कनेक्ट कर देना है, जहाँ से हॉर्न जहाँ से लगा हुआ है यहाँ से, और कोई भी कट वगैरह नहीं करना है, आपका गाड़ी बिल्कुल भी जैसा है वैसा ही रहेगा, सेफ रहेगा, सिर्फ कनेक्शन रहेगा दोस्तों। ये सर्किट ऐसा रहेगा कि कोई भी अगर आपके बाइक को दोस्तों ले कर जाना तो दूर की बात है, अगर उसको टच भी करता है ना ले कर जाने को भी इससे, या जिससे, यानी कि आप यहाँ से स्विच को ऑन कर दीजिए, आप अगर रहिएगा दोस्तों तो इसको ऑफ रहिएगा, ऑफ रखिएगा, और जैसे ही इसको ऑन करके आप हट जाइएगा, यानी कि आपको लगे कि नहीं रात का समय है आप हमको यहाँ पर रख के हट जाना है, तो ऑन कर दीजिए, उसको टच कर नहीं सकता है दोस्तों, ऑटोमेटिक आपका ही गाड़ी का यहाँ पर हॉर्न जो है कि कंटिन्यू यहाँ पर चालू हो जाएगा दोस्तों, जो कि बंद नहीं होगा, लाख कोशिश कर ले बंद नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि ये चीज़ आपको बता दिया। और इसमें क्या, इससे पहले भी हमने जो बनाया था उसमें क्या था कि हमने तार वगैरह कुछ लगाया था दोस्तों, तो काफ़ी वहाँ पर थोड़ा सा झमेला ऐसा लगा, लेकिन इसमें आपको कुछ भी अलग से झमेला करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे भाई तो ये भी सोचते होंगे या कमेंट भी करते हैं कि बहुत बकता है ये, तो भाई यहाँ पर समझाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि देखिए, अगर इसी वीडियो को आप स्किप कर देते हैं ना, तो इस सर्किट को आप यूज नहीं कर पाइएगा, ये तो आपको 100% हम बता दे रहे हैं दोस्तों, सही तरीका से आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, ये उल्टा पुल्टा काम करना शुरू कर देगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। अगर आपको सीखना है, अच्छे तरीके से समझना है ताकि सर्किट काम करे, तो बस वीडियो को जो है कि कंटिन्यू जरूर से देखिएगा। तो इसका पिन आउट आप देख सकते हैं कुछ इस तरीका से है। और यहाँ पर जो हमने ये ट्रांजिस्टर लिया है दोस्तों, इसको आपको क्या करना है, चलिए दोनों पिन को कुछ इस तरीका से कर लेते हैं ताकि यहाँ पर हम शॉर्ट कर सकें। ये जो इसका दोनों पिन है दोस्तों, इन दोनों पिन के साथ हमको शॉर्ट करना होगा। तो चलिए कुछ इस तरीका से करके इसको हम इस तरीका से यहाँ पर शॉर्ट कर लेते हैं। सर्किट देखा जाए तो बस यही दो सर्किट है दोस्तों। देखा जाए तो इसको काफी आसानी तरीका से कहीं पर भी, इसको एक बाइक बहुत सा बड़ा होता है दोस्तों, अगर चाहे आप तो इसको किसी भी जगह पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप इस देखिए किस तरीका से हमने यहाँ पे किया, अभी इसका बीच वाला पॉइंट यानी कि बेस का पॉइंट अलग है, यहाँ पर कोई भी कनेक्शन हमने नहीं किया है। अभी अगर सर्किट का बात करें दोस्तों, तो बस ट्रांजिस्टर यहाँ पे हम जोड़ दिया है और सर्किट यहाँ पे कंप्लीट है।
आपको स्विच लगाना होगा जहाँ से बैटरी का, यानी कि जहाँ से इसको सप्लाई मिलेगा दोस्तों, वहाँ पे आपको स्विच लगा देना है। बस इसको सप्लाई मिलने तक आपको स्विच लगाना है। तो यहाँ पर अभी हम स्विच का यूज नहीं कर रहे हैं, आपको यहाँ पर यूज करना है स्विच का। अभी मेरे पास क्या है दोस्तों, ये हॉर्न है, ठीक है। तो इसका एक वायर हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो ट्रैक है, एक वायर हम यहाँ पर इसको सोल्ड कर लेते हैं। बस एक वायर आपको यहाँ पर सोल्ड कर देना है, एक वायर अभी यहाँ पर जाएगा, जो कि ये डायरेक्ट चला जाएगा दोस्तों माइनस पॉइंट में। बैटरी का जो माइनस पॉइंट होता है, ठीक है, नेगेटिव, उसमें ये चला जाएगा। अब बाकी पॉजिटिव हमने यहाँ से दे दिया है, और इसका पॉजिटिव इनपुट कराना है दोस्तों ये बीच वाला पॉइंट से। जैसा कि आप सभी भाई लोग यहाँ पर जानते हैं, इसका जो बीच वाला पॉइंट होता है दोस्तों, वो ये इसके इससे कनेक्ट होता है, ठीक है, आपस में। ये बीच वाला पॉइंट इसका ट्रैक का इससे कनेक्ट होता है। तो हम इसका सप्लाई अभी यहीं पर दे दें, क्योंकि बीच में हम नहीं दे रहे हैं। आप यहाँ पर शॉर्ट करके अलग से वायर निकाल लीजिएगा। अभी चलिए सबसे मेन काम है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए। इसी वायर के लेकर दोस्तों एक वीडियो हमने बनाया था, जो कि आपको बाइक में यहाँ पर लगाना होता था, लेकिन आज क्या हम इसमें यूज करेंगे इस वायर से, उस तरीका से नहीं करेंगे। एक सिंगल वायर रहेगा दोस्तों, और इसमें क्या है कि कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि इसका ऊपर का जो ये पॉलिश रहता है दोस्तों, ये लगा हुआ आपको हटाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक वायरलेस की तरह एक सेंस करेगा दोस्तों यही वायर। हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया वायर लगाने से पहले, यानी कि सर्किट उल्टा पुल्टा कैसे काम करेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं दोस्तों कि इसके जगह पर कुछ अलग तरीका का वायर हम यूज कर लें, जैसा कि देखिए, मान के चलिए कुछ इस तरीका का वायर, ठीक है, ये कितना पतला है देखिए, कोई ज़्यादा मोटा नहीं है, बहुत पतला वायर है। तो इस तरीका का वायर दोस्तों अगर आप यूज करते हैं, तो आपको मान के चलिए कि इतना छोटा आपको यूज करना पड़ेगा, बात को समझिएगा यहाँ पर। और ये भी वायर कोई टूटने फूटने वाला हम यहाँ पर नहीं बना रहे हैं दोस्तों, जो आप अगर सोच रहे हैं, आपको यहाँ पर बता रहे हैं, समझ लीजिए। ये जो वायर यूज कीजिएगा, तो आप अगर सोचिएगा ज़्यादा यूज करने के लिए, तो ये सर्किट फिर जो है कि जितना बड़ा इसको यूज कीजिएगा दोस्तों, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, जैसा कि ये अपने आप काम करेगा, आपके मर्जी के मुताबिक ये काम नहीं करेगा। तो इसी लिए आपको बता दे रहे हैं। और इसमें मोटा वायर तो आप भूल से भी यूज मत कीजिएगा, जैसा कि हम इसको भी आपको मना कर रहे हैं इसको भी यूज करने के लिए, ठीक है। अगर आप इसको यूज कीजिएगा, तो आपको छोटा यूज करना होगा, लेकिन होगा क्या कि दोस्तों, जहाँ पर आप इसको कनेक्ट कीजिएगा, यानी कि जहाँ पर लगाइएगा, तो वहाँ पर क्या है ना कि ये सर्किट भी वहीं पर आपको फिर रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको यूज करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा बड़ा वायर आप यूज कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल दोस्तों हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि हम जो यहाँ पर वायर यूज किए हैं, ये देखिए, जैसा कि इस वायर को हमने यहाँ पर अलग से निकाल लिया है दोस्तों इसी में से, तो ये देखिए हमने कितना बड़ा इसमें रखा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका लंबाई मान के चलिए, ये देखिए आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इतना बड़ा है पूरा, आपको मेरा दोनों हाथ साइज दिख रहा है, ठीक है। देखिए इतना बड़ा हमने यहाँ पर रखा है, ठीक है। अगर मान के चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर करीब करीब मान के चलिए कि 30 इंच के करीब हमने इसको रख लिया है, ठीक है, 30 इंच के करीब हमने इसको रखा है। तो 30 इंच का अगर चाहे दोस्तों, तो इस सर्किट को काफ़ी अंदर तक आप जाके रख सकते हैं। और यहाँ पर एक वायर सिर्फ हम यहाँ पर सोल्ड कर रहे हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर पतला आपको शायद दिखता नहीं होगा, तो ये वायर आपको कहाँ पे सोल्ड करना है, ये जो ट्रांजिस्टर हमने निकाला है दोस्तों, इसके बेस पर आपको सोल्ड करना है, ठीक है। चलिए, मोटा वायर आप बिल्कुल भी नहीं दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है कि सर्किट जो है कि ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देगा। जैसा कि हमने आपको बताया, इसको हमने टेस्ट किया है दोस्तों, सब तरीका से टेस्ट किया है, ताकि यहाँ पर आप लोग को कोई भी यहाँ पर परेशानी ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरे चैनल पे यहाँ पर कोई भी फेक वीडियो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। अभी क्या करना है दोस्तों, ये वायर है, इसमें आपको कुछ भी आपको यहाँ पर छोड़ाना वड़ाना कुछ भी नहीं है, जैसा है वो सही रहने दीजिए। अब आपको इसको लगाना कहाँ पे है, वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। ये वायर ही सिर्फ जाएगा, सिर्फ एक वायर जाएगा, ठीक है, कुछ भी आपको नहीं छोड़ाना है, ऐसे ही रहेगा। ये सर्किट को तो आपको सबसे पहले लुका देना है दोस्तों, स्विच को भी आपको लुका देना है, गाड़ी का किसी भी पार्ट के नीचे ऊपर कहीं पर भी। जब आपको यहाँ पर लगे कि नहीं, रात का टाइम हो गया है, हमको जाना है, हम घर जाना है, तो बस स्विच को ऑन कर दीजिए और बिंदास चले जाइए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, इस तार को आपको कहाँ पर लगाना है, जो गाड़ी का हैंडल होता है दोस्तों, गाड़ी जब भी यहाँ पर कोई भी लेकर जाने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पर सबसे मेन होता है उसका हैंडल, ठीक है। तो हैंडल में आपको इस वायर को क्या करना है, बस किसी भी तरीका से आप अपने हिसाब से थोड़ा सा दो तीन पार्ट आपको इस तरीका से, ठीक है ना, इस तरीका से हैंडल में लपेट देना है बस, और आपको कुछ भी नहीं करना है। ये थोड़ा छूट गया, हम फिर से यहाँ पर लपेटते हैं, करना कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और देखिए फिर ये कैसे काम करेगा, चलिए थोड़ा सा लपेट ही लेते हैं यहाँ पर हम,
ठीक है, बस इतना ही लपेटेगा, ज़्यादा नहीं लपेटेगा दोस्तों, ठीक है इतना ही। चलिए हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। ये हमने गाड़ी का, मान लीजिए गाड़ी के हैंडल, सिर्फ एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा रहे हैं दोस्तों, आपको इस तरीके से करना है। इसको हमने हैंडल में यहाँ पर लपेट दिया है। अभी चलिए हमको यहाँ पर सप्लाई की ज़रूरत है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, आपको यहाँ पर सप्लाई देना है दोस्तों। तो ये 12 वोल्ट से काम करता है, लेकिन हमने जो है कि यहाँ पर 14 वोल्ट इसलिए रखा है दोस्तों, क्योंकि ये एक पावर सप्लाई है। यहाँ पर थोड़ा सा ये है जो हॉर्न है, थोड़ा सा एम्पियर लेता है, इसके कारण हमने रखा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये 12 वोल्ट से चलने वाला है। आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है, यहाँ पर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं 12 वोल्ट डीसी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको पहले हम यहाँ से हटा लेते हैं। ये जो इसका प्लस पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर हम लगा लेंगे, ठीक है। प्लस हमने लगा लिया है, और जो माइनस पॉइंट इसका रहेगा, ये वायर को हम थोड़ा हटा लेते हैं यहाँ पर। तो अभी चलिए यहाँ पर उम्मीद है कि आपको दिखता होगा। जैसा कि अभी आपको क्या करना है दोस्तों, यहीं पर आपको स्विच लगा लेना है। प्लस पॉइंट में आप लगाइएगा, ठीक है, माइनस में मत लगाइएगा। आपको बस यहाँ पर एक स्विच लगा लेना है ऑन ऑफ करने के लिए, पावर के साथ यानी कि बैटरी के साथ में। तो चलिए अभी हम यहाँ पर स्विच नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट इसको यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको सप्लाई भी दे दिया है। अभी ये सर्किट बंद है, ठीक है। मान लीजिए ये तो गाड़ी का हैंडल है दोस्तों, ठीक है। तो अभी कोई भी इसको पहले इसको पकड़ने का कोशिश करेगा, जो कि यहाँ पर कोई भी हमने यहाँ पर ब्लेड नहीं मारा दोस्तों, इसको स्क्रैच नहीं किया है इस वायर को। लेकिन चलिए इसको पकड़ते हैं अब, ठीक है, टच करते हैं। ये जो है कि बिल्कुल भी यहाँ पर चालू हो चुका है, ठीक है। इसको बंद करते हैं पहले। तो जैसा कि आप देखें दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर हमने सिर्फ इस तरीके से पकड़ा, पूरा अच्छे तरीके से भी नहीं पकड़ा दोस्तों, और ये जो है कि ऑटोमेटिक ऑन हो गया। और अगर आपको लग रहा है कि वो पकड़ के छोड़ दे तो बंद हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ये बंद नहीं होने वाला है। जब तक आप खुद नहीं आ जाइए और आने के बाद जो है कि स्विच को नहीं बंद कीजिएगा, ये बंद नहीं होगा, ठीक है। अब आपकी ही गाड़ी में हॉर्न रहेगा, कोई भी यहाँ पर अलग से सप्लाई कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर से आपको यहाँ पर टेस्ट करा देते हैं। वायर हमने कुछ एक दो बार भी लपेटिएगा, एक बार भी लपेटिएगा तो भी चलेगा दोस्तों। चलिए आपको टेस्ट ही करा देते हैं, इतना हम खोल देते हैं ताकि आपको यहाँ पर विश्वास हो, ठीक है। ये देखिए, आपको दिखता होगा, दिखाने का कोशिश करें क्योंकि काफ़ी पतला वायर है। ये वायर हमने यहाँ पर लिया दोस्तों, ठीक है, इसको लिया, ठीक है। ये देखिए, ये हमने एक दो तीन, बस तीन बार ही इसको लपेटा। चलिए इसको रख देते हैं, तीन बार हमने उसमें लपेटा है। चलिए इसको यहाँ पर लगाते हैं, इसको हमने यहाँ पर लगा दिया है, तीन बार हमने स्लिप लपेटा है दोस्तों। चलिए इसको उठा लेते हैं, यहाँ पर देखिए तीन बार हमने इसमें दिया है। अब इसको पकड़ने का हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर मतलब किस तरीके से काम करता है। अब जो है कि हमने छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यू है। तो आप यहाँ पर देखें दोस्तों, ये किस तरीके से काम कर रहा है। हमने उसको छोड़ भी दिया, फिर भी कंटिन्यू है। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब है कि अगर कोई भी हैंडल भी पकड़ता है, सबसे पहले आके हैंडल पकड़ता है, तो जैसे ही पकड़ेगा उसको दोस्तों मौका ही नहीं मिलेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि गाड़ी का हॉर्न कैसे चालू हो गया। और वो बंद करने का लाख कोशिश करेगा, लेकिन बंद नहीं होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आपको 100% क्लियर है। तब तक तो आप खुद चलाइएगा दोस्तों। चलिए, अगर वीडियो पसंद आता हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर से कीजिएगा। बाकी जो भाई लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आप लोग के लिए दोस्तों यहाँ पर अलग अलग तरीका से लाते रहते हैं वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।